अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर है एसएएस सिमिलैरिटी के बारे में। ओके, तो इससे पहले हमने एसएएस सिमिलैरिटी को पढ़ लिया, प्रूव कर लिया। तो अब क्या है हमारे पास एसएएस सिमिलैरिटी। सो वहां क्या बोलता है थ्योरम, थ्योरम स्टेट्स दैट अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है और उन दो ट्रायंगल्स में आपके पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, लेट सपोज एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है बेटा, एंगल ए और एंगल डी बराबर है। और थ्योरम ये भी बताती है कि जो इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड्स है, यानी ए के साथ कौन कौन सा है, ए बी और ए सी, डी के साथ डी ई और डी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल रेशियो में है। दैट मींस ए बी बाय डी ई ये देकर है बराबर आपको ए सी बाय डी एफ, ये वहीं से देकर है। तो यू नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, देन वी विल ज्वाइन पी क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है। हम पहले इसको लेते हैं, तो हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई डी ई देकर है ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये तो गिवन है। अब इसको ए बी के बदले हम लिख सकते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू, सॉरी डी पी, डी पी और यहां लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ। अब जरा इसको पढ़े, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, इट मीन्स बाय द कन्वर्स ऑफ द बीपीटी पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। सो पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये दो पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। सो इट मींस एंगल पी शुड बी इक्वल टू एंगल ई। कीप इट इक्वेशन लेट सपोज वन। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, अगर आप ये दो ट्रायंगल लोगे, एंगल ए तो एंगल डी के बराबर है, ए बी ये बराबर है डी पी के और ए सी ये बराबर है डी क्यू के, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है इट विल बी कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल डी पी क्यू। वाई? बिकॉज एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल पी भी बराबर होगा। वाई? इसको इक्वेशन टू रखेंगे, इसको लिखेंगे सी पी सी टी, सी पी सी टी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या निकलेगा, एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल पी एंगल ई के बराबर, तो हमें निकलेगा एंगल बी और एंगल ई बराबर है, ठीक है। यहां से मैं रब कर देता हूं इसको, तो ये तो प्रूव हो गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कॉमा, एंगल ए और एंगल डी हमने बराबर लाया, ये खुद उधरी से देकर था, सो इट इज गिवन। और एंगल बी और एंगल ई हमने दिखाया ये बराबर है, ठीक है। सो आई कैन से देयरफॉर बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा कंक्लूड करता हूं इन तीन थ्योरम्स को। कंक्लूजन ये है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, कंक्लूजन ऐसे ही बता देते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है और दो ट्रायंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे इक्वल है आपस में दोनों ट्रायंगल्स के, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। या अगर दो ही एंगल्स, दो ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे दो ट्रायंगल्स के, तो वो भी सिमिलर होंगे। दूसरी थ्योरम थी अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपके पास सेम रेशियो में है तो तब भी हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। तीसरी थ्योरम जो यहां पर हमने देखा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में, कि अगर आपके पास एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उसके साथ जो दो साइड्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, सो तब भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर होंगे। तो ये हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन खत्म हो गया। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो लेक्चर को अगर आपका मेरा लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, तो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।